पहले से कमजोर नजर आ रही है, पहले से ज्यादा ताकतवर नजर आ रही है। कांग्रेस ने लोगों के बीच में जगह बनाना शुरू कर दिया है पूरे देश के अंदर, जिसकी वजह से बीजेपी अब सात बिरादरियों को ढूंढने फिर रही है। कभी मुख्यमंत्री ढूंढते हैं, कभी बीजेपी के अध्यक्ष ढूंढते हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री ढूंढते हैं। दुर्भाग्य है, साढ़े चार साल तक लगातार झूठ बोलने वाले सत्ता पर बैठने के बाद में, दिल्ली की गद्दी संभालने के बाद में झूठ के अलावा कुछ नहीं किया, और उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री ने सिर्फ झांसे और भय फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया। तो ये झूठ और झांसों की ये पार्टी जो कहती है कि अगर ऊपर वाला वो फेंकू, दिल्ली में बैठे फेंकू, और यहाँ जो प्रदेश में है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि अगर हमारी बात नहीं माने तो उसको ठोक दो, तो एक ठोकू और एक फेंकू। वर्तमान में कानून है कि देश फेंकू से फेंकू चलाएगा या ठोकू चलाएगा, देश की जनता देश को चलाते हैं। सर कानून व्यवस्था के ऊपर क्या कहेंगे, दरोगा पिट रहा है और उसको ही लाइन हाजिर होना पड़ रहा है, पार्षद ने दरोगा को पीटा है उसको लेकर। ये असली चेहरा है बीजेपी का, जिसका मुख्यमंत्री ये कहता हो कि ठोक दो, उसकी पार्टी के जो है सभासद हैं पार्षद हैं वो ठोकेंगे ही ना, फिर वो सिपाहियों को ठोकेंगे, और सिपाहियों को समझ में आ जाएगा खाकी वर्दी उन्होंने प्रदेश की देश की जनता की रक्षा के लिए पहनी है या इन ठोकुओं की गुलामी करने के लिए।